हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, इनकी एनर्जीज हैं देख लेते हैं। प्लीज़ मेरे को गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। Devil, Queen of Pentacles, Temperance, Queen of Cups, Six of Swords, The Lovers. So, यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं साइन आपको लास्ट टाइम बताती हूँ, जब सारे कार्ड्स होंगे ना तो उनमें जो भी स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी, ठीक है। अभी अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक ये पर्सन का कुछ ऐसा रहा है कि पहले आप बहुत फोकस्ड थे अपनी लाइफ को लेकर के, आपने अपनी लाइफ पर बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ था, आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल थे, सब अच्छा चल रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं जो अभी हो रहा है, जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा था आपकी लाइफ में। उस टाइम पर ये शख्स आया और बहुत पैशनेटली आपकी लाइफ में ये शख्स आया, बहुत ज़्यादा पैशनेटली, इतना ज़्यादा पैशनेटली कि लाइक यू नो उस शख्स ने ना आपको अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींच लिया, मतलब कि आप भी उनकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहले पहल तो इस शख्स ने बहुत एफर्ट लिए हैं आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपका ट्रस्ट जो है वो जीतने के लिए, मतलब हर तरीके से इन्होंने एफर्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लिए हैं और बहुत पैशनेटली एफर्ट लिए इन्होंने, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने कनेक्शन को बना दिया। जब तक आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, जब तक आप उनकी हर चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे, तब तक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एफ़र्ट दिए इस कनेक्शन में। और जैसे ही आपकी तरफ से एफ़र्ट्स गए, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि यस मैं भी कुछ बहुत डीप फील करती हूँ तुम्हारे लिए,
या जैसे आप उनके आप इमोशनली उनमें इन्वॉल्व हुए, जैसे आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया, उसी टाइम ये शख्स का बिहेवियर टोटली आपकी तरफ चेंज हो गया। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तब तक ये शख्स एफर्ट लिए जा रहा था। और जब आपने एफर्ट लेना शुरू किया, जब आपने आगे से बढ़ के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगे इस शख्स के लिए, जब आप इस शख्स से बहुत इमोशनल बातें करने लगे, देन ये शख्स सडनली चेंज हो गया। सडनली शख्स के बिहेवियर में चेंज आ गया। और आपने उनको पूछते रहे कि, लेकिन उनका हमेशा यही कि वो हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, हर चीज़ का बहाना उनके पास रेडी रहता है। चीज़ें टॉक्सिक भी हो गई उनके इस बिहेवियर की वजह से। बट आपके लिए चीज़ें मुश्किल ऐसी हो गई कि आपकी अच्छी खासी एक स्टेबल लाइफ चल रही थी, लेकिन इस शख्स ने हाथ पकड़ के आपको एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ आप कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है। आप इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो गए, इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि अब आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। आपने उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन बना लिया। आई थिंक आप बच के इसीलिए रहते थे क्योंकि आपको पता था कि मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, और अगर मैं एक बार कोई भी रिश्ते को लेकर के मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, और अगर मैं अटैच हुई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको क्लियर थी, इसीलिए आप बच के रहते थे। लेकिन इस शख्स ने ना, ये आए बहुत तेज, मतलब बहुत स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ी आपकी। जब ये शख्स आपकी लाइफ में आए, आपने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो सकता है, बट वो सारी चीज़ें हुई। एंड अभी फाइन, अभी जो है सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है कि अभी आई थिंक आप दोनों की ठीक से बात नहीं हो रही है, और कोई क्लियरिटी भी नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। चीज़ें बहुत स्टक चल रही हैं, चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो अभी आप अकेले हो, सफ़र कर रहे हो इमोशनल एनर्जी से, प्यार आप इनसे करते हो, इमोशनल आप इनके लिए हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे जैसे इनकी पहले जैसी अटेंशन दिया करते थे ना, अभी वैसी अटेंशन इनकी नहीं मिलती है जैसे इनका पहले बिहेवियर था। आई थिंक अभी वैसा बिहेवियर नहीं है इनका आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या ख्याल है आपको लेकर के। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पर अगर मैं आपके लिए देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इनके दिमाग में 2400 घंटा रहते हो। आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी उतनी स्ट्रांग है, पैशनेट है ये आपके लिए, और आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पर आजकल इनको थोड़ी सी टेंशन चल रही है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि डीप कनेक्शन ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ फील करते हैं, बट मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो एनर्जी है, आई फील कि इनकी लाइफ में हो सकता है आपसे पहले कोई पर्सन रहा हो, ठीक है, आपसे पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एंड आई फील कि वहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं की और आपके साथ ये रिलेशनशिप में आ गए।
वहाँ चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने जैसे कहते ना कि पहले जो चल रहा था उसको पूरा ख़त्म किया, देन उसके बाद आगे बढ़ रहा है इंसान, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना, इसका पास्ट का अभी भी बाकी है, इसका पास्ट का ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद ही आपके साथ कनेक्शन में आए हैं, आपके साथ भी डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अगेन कहूँगी वो पास्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। पास्ट का भी कनेक्शन कोई ऐसा वैसा नहीं रहा इनका, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ना गाइस मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, इसीलिए आपके पर्सन की यहाँ पर हर्मिट वाली एनर्जी है, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं इस बारे में, अप्रोच उन्होंने किया, एफर्ट उन्होंने डाले, उन्होंने मतलब आप तो दूर दूर ही भाग रहे थे, आप तो बच ही रहे थे, आपकी तो उसमें कोई गलती नहीं है, वही पकड़ के आपको लेकर के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा इसी सोच में डूबे हुए हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं सब कुछ करके, जो कुछ भी ये कर रहे हैं क्या वो सही है, इनको ऐसा करना चाहिए या यू नो ये गलत है, क्योंकि मन में ऐसा आने लगा है अब उनके, एक होती है ना मन में ऐसी फीलिंग आना कि यार मैं उसको भी चीट कर रहा हूँ, उसको मैं सारी सच्चाई नहीं बता रहा, सब कुछ सच नहीं बता रहा, कुछ ऐसा। एंड आई फील कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन इन एंड आउट होता है इनकी लाइफ में, ठीक है, आना जाना इस थर्ड पर्सन का लगा रहता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि उस थर्ड पर्सन के साथ प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ है इनका कनेक्शन, अभी कुछ बाकी है उसमें, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। रीज़न मेनली मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है इनके बदलते बिहेवियर का, क्योंकि अभी सोच सोच करके ये खुद बहुत इरिटेट हो रहे हैं, इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि अभी ये करें तो करें क्या, लेकिन आपके साथ भी एक डीप कनेक्शन इनको फील होता है, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक टाइम पर दो नाव में सवार होके चल रहे हैं, जो कि खतरनाक है इनके लिए भी, खतरनाक है, तो कुछ ऐसा है यहाँ भी, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसीलिए है, और उसके नीचे टावर की एनर्जी है। तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं ना स्ट्रांगली, वो है सबसे पहले कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, उसके बाद यहाँ पर है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड वर्गो है यहाँ पर स्ट्रांगली, एक तो लिब्रा, तुला राशि, तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जी है इनकी। इन्होंने खुद ने फीलिंग्स आपके अंदर डाली और अब ये खुद इस सोच में है कि मैंने ये करके कहीं गलत तो नहीं किया। अगर आप इनसे पूछोगे भी ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये कहेंगे कि मुझे खुद नहीं पता, बस हो गया, लेकिन इनको इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुई आपकी तरफ कि ये खींचे चले गए, रोक नहीं पाया खुद को, और इनको भी समझ नहीं आया कि कब कैसे चीज़ें शुरू हो गई। हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों का इस थर्ड पर्सन के बारे में पता हो, और हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों का इसके बारे में बिल्कुल भी ना पता हो। बट ऐसी कुछ एनर्जी में यहाँ पर जो है देख रही हूँ। सो लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द फूल, बेंडिंग्स, ऑर्डिनरीनेस, द क्रिएटर। हाल फिलहाल मुझे कुछ ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई देती है। सी जैसे मान लो कि आपके पास दो जॉब्स के ऑप्शन है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं ताकि आप थोड़ा समझ पाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मान लो आपके पास दो जॉब्स हैं, ठीक है, दोनों जॉब आपको बढ़िया लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, ठीक लग रही हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सी जॉब अपने लिए चूज़ करनी चाहिए।
अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, उस बात को, क्योंकि कोई और भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और को भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो आपके पास बचा कौन? आपके पास बचा यूनिवर्स, आपके पास बचे ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो। आप क्या करोगे कि यूनिवर्स मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे दे देना, ठीक है? जो मेरे लिए अबंडिट है वो मुझे दे देना, जिसके साथ मेरी लाइफ आगे अबंडेंस से भरी हुई होगी वो चीज़ मुझे दे देना, राइट? वो जॉब मुझे दे देना जो मेरे लिए परफेक्ट रहेगी, जो मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपके जो पर्सन है ना, उनका कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि द क्रिएटर की एनर्जी है और यहाँ पर द फूल है। जैसे सरेंडर कर देना चीज़ों को और अकेले में रहना, अपने आप से बातें करना, यूनिवर्स से बातें करना, और यूनिवर्स से ये बोलना कि यूनिवर्स जो मेरे लिए अबंडेंट है वो चीज़ मुझे दे देना, जो रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, जो पर्सन मेरे लिए अच्छा है, दोनों लड़की या दोनों लड़कों में से जो भी मेरे लिए बेस्ट है वो मुझे दे देना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई देती है। बट वो कहते हैं ना कि कई बार हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन में एक डर रहता है, जिसके मन में चोर होता है ना, वो इंसान घबराया घबराया सा रहता है, इरिटेटिव बिहेव करता है बहुत बारी, तो ये भी थोड़े से घबराए घबराए से रहते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है अभी। द आउटसाइडर, इंटेंसिटी, करेज। खैर, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में हैं, उनको आगे का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट उनके मन में एक ख्याल बहुत बार ही आता है कि उनको आपको सब सच बता देना चाहिए। मतलब उनको ना कई बार ऐसा फील होता है कि मुझे हिम्मत करके ना उसे सच बता देना चाहिए, जो भी है उसको क्लियर बोल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि आप उनके लिए अब सीरियस होते जा रहे हो, ठीक है? पहले तो उन तक थी बात, तो ठीक है उनका चल रहा था, वो इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट अब वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए सीरियस होते जा रहे हो, डे बाय डे आपकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही है, इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं, अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, तो ये इनको और घबराहट पैदा कर रही है। सो आई थिंक कि ये आपको सच बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ना ऐसे बता के अपने मन को ना हल्का करना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना चाहते, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ये चीज़ घुटन दे रही है कि मैं उससे ये बात छुपा रहा हूँ, ठीक है? कि मेरा पास्ट में कोई था जिसके साथ अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, या होती हैं तो फिर से जुड़ जाती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये बताना चाहते हैं, और ये चीज़ इनको घुटन महसूस करवाती है। ये नहीं चाहते आपसे छुपाना चीज़ों को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है बताने की, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, मतलब इनको नहीं पता कि बताने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैंने बताया तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के टेंशन में है ये, और हिम्मत नहीं हो रही है सच बोलने की, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी कुछ ऐसी कंडीशन से ये गुजर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, तो कुछ ऐसा हाल है इनका। और लेट्स सी आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं इनके, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या आप ही की तरफ आएंगे, ठीक है? ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन सबके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी कि ये क्लियर कर देंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपको क्लियर आके चीज़ों को बताएंगे,
ठीक है, बोलेंगे जो भी दिक्कत है, क्योंकि पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी है। बट कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थिंक ये आपको कुछ नहीं बताएंगे, जस्ट ये चीज़ों को जो रायता फैलाया ना उसको समेटने की खुद से कोशिश करेंगे। लाइक ये उन पीछे की चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे बढ़ सकें आपके साथ, वो भी आपको बिना बताए। ठीक है, कुछ का दिखाई देते हैं कि आपको क्लियरिटी दे देंगे, मतलब ये आपको बता देंगे चीज़ें जो भी चल रही है ना, वही आपको शेयर कर देंगे। तो दोनों तरीके की एनर्जी है, बट ये एनर्जी है कि आएंगे आप ही की तरफ। अभी ठीक से बात नहीं हो रही है, ये खुद करेंगे बात ठीक से। अभी क्या है कि थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में जा रखे हैं जहाँ पर इनको थोड़ा सा ना डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है, क्योंकि मन में चोर है ना, इसलिए। तो पहले ये इसको सब अपने आप को समझा बुझा करके पहले तो ये बैलेंस में लाएंगे, देन उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। आएंगे आप ही की तरफ, ये दिखाई देता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।